वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ प्रैक्टिकल 5 जो है PGIMS। तो एक जो हमारे प्रैक्टिकल में नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है कि 4 प्रैक्टिकल करने मैंडेटरी है, और वो 4 प्रैक्टिकल है टैट, और सेकेंड है हमारा इंटरव्यूइंग स्किल, ठीक है, और थर्ड है हमारा ये पी जी आई एक्चुअली ऑल्टरनेट है न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट का, और फोर्थ होगा हमारा रोशार, ठीक है। ये थे और एक ऑप्शनल करना था, बट हमारे जो काउंसलर ने हमें कहा कि आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल अटेंड किया है उनमें से एनी 5 आप उठा सकते हो। तो मैंने अभी रोशार नहीं किया है, मेरे पास टाइम कम है, रोशार में बहुत टाइम लगता है। तो ये मेरा फिफ्थ प्रैक्टिकल है, मैंने PGI वाला प्रैक्टिकल लिया और बाकी 4 आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। तो अब ये आपने कैसे करना है, टाइटल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेमोरी स्केल PGIMS, ठीक है, और हमारा एम क्या है, टू असेस द सब्जेक्ट मेमोरी स्पैन विद द हेल्प ऑफ PGIMS, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड दिस सिंपल स्केल टू मेजर वर्बल एंड द नॉर्मल वर्बल मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल थ्योरी। बाकी इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन मैंने पहले मेमोरी के बारे में थोड़ा सा बताया, टाइप्स ऑफ मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, आप इसके बारे में दे सकते हैं। आप इसका इंट्रोडक्शन और भी थोड़ा इलेबोरेटेड लिख सकते हैं, बट मैंने इतना ही दिया, मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही लेंथी ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है अब PGIMS के बारे में। अब ये थोड़ा सा आप जो है PGI स्केल के बारे में बता देंगे कि किसने दिया, कब दिया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसके बारे में आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिख लें जैसा भी ठीक लगता है, क्योंकि मुझे डिक्टेट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप देंगे थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, और साथ में मैंने क्या दिया है डिस्क्रिप्शन में कि जो मेमोरी को यूज़ करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसके बारे में बताया है। देन ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, शायद विजिबिलिटी होगी आप लोगों को। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे डायमेंशंस। अब जो हमारा ये मेमोरी स्केल है वो उसमें कितने टेस्ट है, हमारे 10 सब टेस्ट है, और यहाँ पे 10 सब टेस्ट के जो है नेम दिख दिया। देन मटेरियल रिक्वायर्ड हमें क्या चाहिए, PGIMS बुकलेट चाहिए, और हमारे जो मैनुअल है वो चाहिए जिससे हम असेस करें, पेंसिल इरेजर, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया, अब ये मेरे पार्टिसिपेंट है जिनसे मैंने अपना ये प्रैक्टिकल करवाया। ये मैं आपको अभी थोड़ा जल्दी मैं इसीलिए दिखा रही हूँ, ज़्यादा नहीं बता रही हूँ इसके बारे में, क्योंकि प्रैक्टिकल की डेट 10th तक है, तो आप लोगों ने परफॉर्म करना होगा। उसके लिए आप इसे रेफरेंस लें, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी PGI स्केल के ऊपर, जिसको कि बहुत अच्छे से समझेंगे, शायद वो हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए फिर काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी आप इसको जस्ट फॉर आप प्रैक्टिकल आप लोगों ने लिखना है उसके लिए आप इसे देख सकते हैं। जो एक दो डाउट है सब स्टूडेंट्स के जो मेरे भी थे, वो मैं यहाँ पर बता दूँगी, आप अपनी फाइल बनाओ, डिटेल में मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब ये मेरी पार्टिसिपेंट की प्रोफाइल है, सबकी अलग अलग आएगी। अब प्रोसीजर है ऑलमोस्ट सबके सेम है कि मैंने ये प्रोसीजर फॉलो किया, प्रिपरेशन की, PGI जो बुकलेट है उसको साथ रखा, मैनुअल को साथ रखा, स्टेशनरी रिक्वायर्ड थी, रेपर्ट बनाई, इंस्ट्रक्शन क्या दी, इंस्ट्रक्शन मैंने रिमोट मेमोरी में दी कि आई एम गोइंग टू आस्क यू दी सम क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक टू यू टू रिप्लाई देम मोस्ट ऑनेस्टली एंड प्रॉम्प्टली, ठीक है ना। फिर रिसेंट मेमोरी की इंस्ट्रक्शन दी, देन मेंटल बैलेंस की, ठीक है, और फिर प्रिकॉशंस क्या लिए, बस पीसफुल एनवायरनमेंट रखा, ठीक है ना, इंटरवल दिया वेयर लिमिटेड अप्रोप्रिएटली, और आई ऑल्सो टुक फ्यू, बस छोटा सा है प्रिकॉशंस, बाकी आपने अगर कोई पर्सनली लिया तो आप लिख सकते हो। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में क्या है कि हाँ मैंने उसकी इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट बिफोर प्रैक्टिकल, ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी प्रैक्टिकल ली। स्कोरिंग में मैंने, ये जो स्कोरिंग है ना, इसमें मैंने पूरा स्कोरिंग के बारे में लिखा है कि सब टेस्ट 1 का है, 1 स्कोर फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसके आंसर सारे सही है तो उसमें 1 स्कोर आएगा, 2 में है अगर इसके सारे करेक्ट है तो भी, ईच 1 क्वेश्चन है। तो सब सेट 3 में क्या है, हमारे जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है अगर वो 15 सेकेंड के अंदर देता है तो उसके 2 मार्क्स है, और सॉरी 3 है, और अगर गलत देता है मतलब उससे 15 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगाता है तो 2 स्कोर है, और अगर उससे भी ज़्यादा टाइम लेता है तो 1 स्कोर है, और गलत देता है तो 0 है, और एक थर्ड क्वेश्चन है वो 40 सेकेंड के अंदर अगर देता है तो उसका 3 स्कोर है। तो इस तरह से ये जो मैंने स्कोरिंग लिखी है ना, ये हमारे मैनुअल में दे रखी है,
ठीक है, आप इसे यहाँ से भी देख सकते हो, एज इट इज़ मैंने इसको लिखा है। ठीक है, फिर सबसेट फोर है, उसमें भी ऐसे ही है, नंबर दे रखे हैं, देन 5, 6, 7, ये आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा आगे क्लियर होगा जब मैं टेस्ट दिखाऊंगी। टोटल हमारे कितने टेस्ट है इसमें, 10 टेस्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये सबसेट 10 के बारे में लिखा है। अभी इंटरप्रिटेशन है, ये इंटरप्रिटेशन मैंने कौन सी लिखी है, जो मेरे पार्टिसिपेंट का स्कोर आया है। ठीक है, तो ये सबकी अलग अलग होगी। ये डिस्कशन है, डिस्कशन मैंने वही डिस्कस किया है कि जो मेरे पार्टिसिपेंट का जैसे 0 है ओवरऑल, तो उसे जो है ब्रेन डिसफंक्शनिंग कुछ नहीं है। अब इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सब आपका अपनी तरफ से होगा, टेस्ट करना कैसे, ये वाला मैनुअल लेना। ठीक है, जब आप टेस्ट परफॉर्म करोगे इस तरह का मैनुअल लेना, इसको सबसे लास्ट में मैं अब दिखाती हूँ क्योंकि ये ओवरऑल स्कोरिंग है। एक दूसरा मैनुअल है उसको मत लेना क्योंकि उसमें काफ़ी टफ जा रहा है, उसमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, ये इजी है। पहले मैंने भी दूसरे वाला ट्राई किया था, लेकिन आप इस मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँ आप लोगों के लिए, तो आप उससे वहाँ से प्रिंट कर लेना। और ये सेम चीज़ है, अब देखो इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट ये होगा हमारा रिमोट मेमोरी का, आपने क्या करना है उनसे क्वेश्चन पूछने, साथ में क्या करना है टाइम दे देना है। ठीक है, जैसे हाउ ओल्ड आर यू, अगर उन्होंने ठीक जवाब दिया, कितने टाइम के अंदर दिया, जैसे मेरे पार्टिसिपेंट ने सही दिया 2 सेकंड के अंदर दिया। और आप किसका टेस्ट लें, जिन्हें आप जानते हैं, जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता है, क्योंकि हम जस्ट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ना कि हम अभी कोई क्लिनिकल उससे कर रहे हैं, तो आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये सब उन्होंने सारे करेक्ट आंसर दिए, ये मैंने यहाँ पर टाइमिंग लिखा। ठीक है, तो हमने कितने हैं, जो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5th, व्हेन डिड यू कम फर्स्ट टाइम दिस क्लिनिक, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करवाया क्योंकि 6 मार्क्स का है, आपको इसमें 6 क्वेश्चन लेने हैं, जिसके ऊपर से टेबल है, वो क्लिनिक नहीं आया है, तो इसलिए ये सारे ये आंसर उन पर सूट कर रहे थे, इसको मुझे करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि, और ये है भी 6 मार्क्स का ही है, तो इसमें मेरे पार्टिसिपेंट के टोटल कितने हैं, 6 मार्क्स आए, 1, 1, 1 क्वेश्चन ईच। ठीक है, साथ में आप स्कोरिंग देखते जाना, दोबारा से नहीं करवाऊंगी, देखो ये 6 आ गया। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। देन रिसेंट मेमोरी में 5 क्वेश्चंस थे, सारे आंसर उन्होंने सही दिए, 15 सेकंड के अंदर अंदर है सारे, तो इसमें पूरे 5 लगेंगे। ठीक है, उसके बाद है मेंटल बैलेंस। मेंटल बैलेंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए से जेड तक रिसाइट करना है उन्होंने, तो कितने में कर दिया था उन्होंने, 5 सेकंड में कर दिया था। ठीक है, और ये हमारा 15 सेकंड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी, इसके भी फुल मार्क्स लग गए 3। सेकेंड की काउंट बैकवर्ड काउंटिंग करनी थी, 4 सेकंड में कर दी, इसके भी 3 मार्क्स पूरे लगे। और ये काउंटिंग करनी है 3 स्किप करके, 20 सेकंड में उन्होंने कर दिया, तो ये 40 सेकंड का था। अब ये सब जो है टाइम लिमिट के अंदर है, इसलिए इनके पूरे मार्क्स लगे हैं। अगर आपके ये 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेता है तो आपके वो मार्क्स जो है कम करने हैं, बाकी आप जो है मैनुअल पढ़ लेना। और फिर उसके बाद आपने ये वाला आता है, इसमें आपने क्या करना, अपने पार्टिसिपेंट को पहले आपने ये नंबर बोलने हैं, आपके पीछे वो जो है कहेंगे, फिर आपने देखना है कि उन्होंने सही से रिपीट किए कि नहीं, सही से किए तो आप इसमें टिक कर देना, गलत किए तो उसको गलत कर देना। ठीक है, तो इन दोनों को टोटल को मिला के मेरे जो पार्टिसिपेंट का स्कोर था वो 12 है, शायद इसका मैक्सिमम स्कोर 14 है। देन उसके बाद है डिले रिकॉल। ठीक है, अब डिले रिकॉल है, आपने पहले ये सब एक बार ही बता देने हैं। ठीक है, फर्स्ट में थोड़ा सा पॉज देना है, थोड़ी कुछ टाइम के बाद जो है उनको कहना है कि आपको जो है वो सारी चीज़ें बतानी है। तो ये मेरे पार्टिसिपेंट ने ये बिल्कुल सही से बता दी थी, और इनके यहाँ पे ये 5 मार्क्स का है, तो फुल 5 का स्कोर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इमीडिएट कॉल। इमीडिएट कॉल में क्या है, ये सेंटेंस है। अब जो ये सेंटेंस है, ये देखो 1, 2, 3, इसके 1, 1, 1 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट जैसे उन्होंने गलत बोला, राम गौटव ये गलत बताया, लेकिन ओपन दी डोर ये वाला ठीक सेंटेंस था, वेन टू मार्केट गलत था, तो इसमें क्या कितने मार्क्स लगेंगे, 1, इसका स्कोर कितना आएगा, 1। ठीक है, अब जितने सेंटेंस है ना, जैसे कॉमा के बाद नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट नंबर शुरू होगा, अब इसमें 2 सही बोला तो 2 मार्क्स है, ठीक है ना, 2 गलत है, इसमें 3 सही है, 1 सेंटेंस गलत है, तो इसमें 3 है, तो ये इस तरह से होगा, तो इसमें मेरे पार्टिसिपेंट के 6 का स्कोर आया। अब नेक्स्ट है पेयर वाला, सिमिलर पेयर, वर्बल रिटेंशन फॉर द सिमिलर पेयर। अब इसमें क्या करना है, आपने कहना है पहले जैसे ट्री फ्लावर स्वीट सोल, ये एक बार आप जो है उनको सुना देंगे, उसके बाद आपने एक एक करके उनसे पूछना है, जैसे आप ट्री बोलेंगे तो उनको अपना आंसर सही करना है, मतलब जो आपने उनको पेयर बताया उस तरह से वो पेयर बताएंगे, तो आपने उसको करेक्ट कर देना है, तो इसके भी 5 मार्क्स है।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वर्बल रिटेंशन फॉर डिसिमिलर पेयर। अब ये डिसिमिलर पेयर है और ये तीन बार ही रिपीट करवाना है आपको, ठीक है। जैसे टेबल ब्लैक, ट्री हाई, लैम्प अनइवन, इस तरह से आप जब करवाओगे फर्स्ट टाइम में देखना कि कितनी मिस्टेक्स होती है। अगर ये मिस्टेक होगी फिर एक बार आप उनको फिर बताना कि आपने यहाँ पे ये कहा, ये होना चाहिए था। उसके बाद फिर सेकंड टाइम भी पूछना, अगर सेकंड टाइम सही बताते हैं फिर भी थर्ड टाइम ही टेस्ट करना ही है, फिर भी रिपीट करवाना है। तो ये यहाँ पे इन्होंने, इनके 12 मार्क्स आए, फर्स्ट टाइम में ही गलती की थी। उसके बाद है विजुअल रिटेंशन। विजुअल रिटेंशन में आपने क्या करना है, एक इमेज दिखानी है, ठीक है। वो इमेज शायद आप लोगों के पास होगी और उसमें से उन्होंने जितने फिगर ड्रॉ करने के लिए कहना है, ठीक है। तो अगर वो सही से ड्रॉ किए होंगे, अब वो यहाँ पे मैं परफॉर्म करके नहीं बता सकती, वो आप अपने हिसाब से देखना, मैनुअल पढ़ना उसमें दे रखा है, तो उसके हिसाब से उसमें मार्क्स लगेंगे। जो फिफ्थ वाला फिगर उसमें जो है वो 3-4 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट कैसा आता है, रिकॉग्निशन। इसमें क्या है कि कुछ बहुत चीज़ें होंगी, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले उसकी पिक्चर दिखानी है, फिर वो पिक्चर ले लेनी है वापस, फिर एक दूसरी पिक्चर लेनी है दिखानी है, उसमें वो ऑब्जेक्ट भी इंक्लूडेड रहेंगे, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट भी इंक्लूडेड रहेंगे। आपने कहना कि प्रीवियस वाले पिक्चर से मैच कीजिए कि आपने कौन कौन से जो है देखे थे इसमें ऑब्जेक्ट्स। तो मेरे पार्टिसिपेंट ने ऑलमोस्ट सारे 10 के 10 बता दिए थे, उनके 10 मार्क्स से, तो उसको यहाँ पे आपने इस तरह से लिखना है। ये हो गया, ये ईजी है, यहाँ तक तो सिंपल। अब ये यहाँ पर क्या है स्कोर। फर्स्ट में मेरे पार्टिसिपेंट का 6 स्कोर था, मैंने आपको दिखाया, आपने देखा होगा 6 था। फिर सेकेंड में 5 था, 9 था, 12 था, 10, ये टोटल 83 है। अब कन्वर्टेड स्कोर, अब इन स्कोर को क्या करना है, इन स्कोर को कन्वर्ट करना है। अब ये जो मैंने कन्वर्ट किया, ये मैनुअल को देख के कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो 5 से ऊपर जिसका भी स्कोर होगा, जिस भी फील्ड में, वो क्या हो जाएगा, 5+। तो मेरे पार्टिसिपेंट का ऑलमोस्ट सब में 5 से ऊपर है, तो आपको क्या करना है, 5+, 5+, 5+, 5+, 5+, इस तरह से लिखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसकी रिपोर्ट कैसे बनेगी, अब आ जाओ आप ये फर्स्ट पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, रिमोट मेमोरी हमारा कोई भी 0 से 2, 3 से 4 के बीच में नहीं था, सब +5, +5, ये हमारे 10 तक ही है, 10 टेस्ट है, यहाँ तक +5 आएगा और हमारा स्कोर क्या आएगा, 0। अब यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ डाउट था सबको, ये वाला परफॉर्म करना है आपने, ठीक है। 0 है तो हमारे जो है डिसफंक्शन रेटिंग स्कोर 0 आ गया, बस ये हो गया हमारा टेस्ट। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन यही है कि मेरे पार्टिसिपेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नॉर्मल है, और उसके बाद आ गया हमारा रेफरेंस, ठीक है। ये मैंने एक प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया, बाकी PGIMS हम एक बार फिर से करेंगे, जस्ट टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और मैं ये वाला जो मैनुअल है ना, मैनुअल प्लस ये जो बुकलेट है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करती हूँ। बाकी आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिए, और भी स्टूडेंट को हेल्प हो जाएगी। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सो थैंक यू। और आप लोगों की वजह से ही मुझे मोटिवेशन होती है, तो इसलिए मैं वीडियोस बना देती हूँ, अदरवाइज़ टाइम की बहुत शॉर्टेज है मेरे पास। सो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।